गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कंप्यूटर का बच्चा चैप्टर चल रहा है इंटरनेट, उसी के क्वेश्चन आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। कहता है ईमेल अटैचमेंट क्या होती है। अ रिसिप्ट सेंट बाय द रेसिपिएंट, कहता है एक रिसीट जो रेसिपिएंट ने भेजी है, ठीक है। अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलोंग विद एन ईमेल मैसेज, कहता है ईमेल जो आपका मैसेज है उसके साथ आप क्या भेज रहे हैं, एक अदर कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, ठीक है। आपने कोई डॉक्यूमेंट अपना सेंड किया है किसके साथ, आपके ईमेल मैसेज के साथ, वो आपका अटैचमेंट है। अ मलेशियस पैरासाइट डेट डिस्ट्रॉय द कंटेंट, कहता है तो कोई पैरासाइट आ गया, कोई वर्म आ गया जिसने आपके कंटेंट को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। या फिर अ लिस्ट ऑफ सी सी और बी सी सी रेसिपेंट्स, कल मैंने आपको बताया था ये सी सी कार्बन कॉपी और बी सी सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। कहता है अब इसमें से बताना है कि ईमेल अटैचमेंट क्या होती है। ईमेल अटैचमेंट क्या होती है बच्चे, जैसे आपने कोई मेल भेजी, ठीक है, उस मेल के साथ आप कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी अटैचमेंट होती है। आपने अगर देखा हो तो जब आपकी कोई ईमेल होती है तो उसके नीचे एक अटैचमेंट का साइन होता है, ठीक है, कि आप कोई भी चीज़ अटैच करके अपनी मेल के साथ सेंड कर सकते हैं, तो वो होती है आपकी अटैचमेंट। तो यही है ईमेल अटैचमेंट क्या है, अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलोंग विद एन ईमेल मैसेज, अपने ईमेल मैसेज के साथ आप कोई सेपरेट प्रोग्राम भेज रहे हैं और डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो वो आपका क्या है, ईमेल अटैचमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN, कहता है ISDN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंडियन सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क या इंटरनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क। बच्चे देखो ISDN आपका क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, ये जो आपकी टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है उसका नेटवर्क होता है ये, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, आपके टेलीफोन लाइंस में होता है, कॉपर वायर्स के थ्रू आपका जो टेलीफोन लाइंस में डाटा वो होता है, तो वो आपका क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हम उसको कहते हैं ISDN। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, कहता है इसमें से कौन सी चीज है जो ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं हो सकती, जो आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं उसमें वो चीज अलाउड नहीं है, पीरियड, एट द रेट ऑफ, कसाइन, स्पेस, अंडरस्कोर, या इसमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दीज। देखो बच्चे जब आप अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि कौन सी चीज़ें जो अलाउड नहीं है, वो क्या होता है, एट द रेट ऑफ तो होता ही है, ठीक है, पीरियड भी अलाउड है, अंडरस्कोर भी, स्पेस अलाउड नहीं होता। जब भी आप अपना ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं बच्चे तो उसमें स्पेस अलाउड नहीं है, कि आपने जो अपना मेल का नाम लिखा है आप उसमें बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैंने उस दिन आपको कराया था, किसी का ईमेल अकाउंट है ramkumar.4@gmail.com, तो एट द रेट तो है ही, डॉट भी लगा सकते हैं इसकी जगह, ramkumar_4 भी ले सकते हैं, लेकिन ramkumar.4 नहीं दे सकते आप, ठीक है, ramkumar.4 नहीं लिख सकते आप, ramkumar.4, ramkumar_4 वो अलाउड है, लेकिन बीच में स्पेस नहीं अलाउड, ठीक है। सेंडिंग एन ईमेल इज लाइक अ, कहता है एक ईमेल भेजना क्या मतलब है, कि ईमेल आप भेज रहे हैं वो क्या है, क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट की इमेज क्रिएट करना, टेलिंग अ स्टोरी, कोई स्टोरी सुनाना, राइटिंग अ लेटर, लेटर लिखना, क्रिएटिंग एन इमेज, कोई इमेज क्रिएट करना, या नन ऑफ दीज। क्या मतलब होता है सेंडिंग एन ईमेल, ईमेल भेजने से क्या मतलब है हमारा, कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, कोई मैसेज लिखना, कोई लेटर लिखना, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो नहीं जानी, क्रिएटिंग एन इमेज, टेलिंग अ स्टोरी, क्रिएटिंग एन इमेज, क्या आएगा, राइटिंग अ लेटर, किस तरह होता है, राइटिंग अ लेटर की जगह तरह, सी आएगा आंसर, सी, लेटर लिखने की तरह होता है, टेलिंग अ स्टोरी नहीं, वो तो स्टोरी सुनाना, स्टोरी बताना नहीं, एक लेटर लिखने की तरह ही आपका होता है एक मेल भेजना। नेक्स्ट, द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज, कहता है जो होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, हमने बताया कि होम पेज होता है, ठीक है, जिसके बाद आप बाकी वेब पेजेस पे जा सकते हैं, तो वो होता क्या एक्चुअली, द लार्जेस्ट पेज, लार्जेस्ट होगा ये, द लास्ट पेज, सबसे आखिरी पेज,
द फर्स्ट पेज सबसे पहला पेज, द मोस्ट कलरफुल पेज कहता है सबसे रंगीन पेज जो आपके डॉक्यूमेंट का है वो, या नन ऑफ दीज। होम पेज क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है बच्चे वो क्या होता है? आपका फर्स्ट पेज होता है। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको भी ये कहते हैं कि वो उस वेबसाइट का क्या है? होम पेज है। उस होम पेज के बाद आप उस वेबसाइट के बाकी सारे वेब पेजेस पे जा सकते हैं, ठीक है? तो वो होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन अ यूआरएल। मैंने आपको यूआरएल कल बताया था, यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो आपका पूरा एड्रेस होता है ऊपर, कहता है क्या चीज है जो आपकी यूआरएल में होनी चाहिए? अ प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, द लेटर www, द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम www एंड द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम, या फिर अ प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www एंड द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम। कहता है जब आपका जो यूआरएल है बच्चा, यूआरएल मैंने आपको लिख के भी बताया हुआ है, यूआरएल ऐसे लिखते हैं HTTP, ठीक है? फिर www. जो भी आपने, जैसे हमारी एकेडमी की जानी है तो इम्पैक्ट एकेडमी .com, ये होता है पूरा का पूरा आपका यूआरएल, ठीक है? अब कहता है यूआरएल में क्या क्या चीजें होती है। देखो सबसे पहले प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर दे रखा है मैंने, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेरा प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है। फिर www आपकी इंटरनेट सर्विस, www भी है। फिर उसके बाद यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम, रजिस्टर्ड डोमेन नेम आपका impactacademy.com वो है ही, ठीक है? तो कहता है क्या चीजें हैं जो आपकी होनी चाहिए यूआरएल में, ये सब कुछ होना चाहिए। एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ठीक है, www, और उसके बाद डोमेन नेम वो भी हमारा है। तो आपका पूरा यूआरएल इन तीन चीजों से मिलके बनता है। पेपर में उल्टा भी क्वेश्चन आ जाएगी, यूआरएल किस किस चीज से मिलके बनता है, तो यूआरएल आपका इस चीज से मिलके बनता है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, www और डोमेन नेम से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेब ब्राउजर। कहता है इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है, कौन सी चीज है इसमें से जो वेब ब्राउजर है। मैंने कल आपको बताया था बच्चे, वेब ब्राउजर हमारे काफी सारे वेब ब्राउजर होते हैं। वेब ब्राउजर होते हैं किस लिए है? इंटरनेट पर नेविगेट करने के लिए, ठीक है? तो कौन सा है? ओपेरा, स्टार वर्क्स, गूगल एप्स, ओडिला या नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा है? गुड आफ्टरनून विक्रम। इसमें से कौन सा है? ओपेरा, ठीक है? ओपेरा मिनी होता है ना आपका, ओपेरा है, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सारे के सारे आपके क्या है? वेब ब्राउजर्स है। वेब ब्राउजर्स किस काम आते हैं? टू नेविगेट थ्रू द इंटरनेट, ठीक है? तो आपका इनमें से कौन सी ऑप्शंस में से है ये, बाकी इनमें से कोई भी ब्राउजर नहीं है, सिर्फ एक ही ब्राउजर है इसमें, ओपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी ज्वाइन टूगेदर। कहता है इसमें से कौन सी टर्म है जो क्या है? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की कलेक्शन है दैट कैन बी ज्वाइन टूगेदर, उसके लिए कौन सी टर्म है जो इसमें से यूज होती है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट, इंट्रानेट होगा, या फिर एक्स्ट्रानेट। कहता है कौन सी टर्म है जो हम यूज करते हैं किसके लिए? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कैन बी ज्वाइन टुगेदर, बहुत सारे नेटवर्क्स की कलेक्शन जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चे वो क्या है आपका, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है? इंटरनेट है, ठीक है ना? इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, नेटवर्क्स जो आपस में क्या है? कनेक्टेड है, तो वो क्या है? इंटरनेट। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंटरनेट। व्हाट इज अ ई कॉमर्स? कहता है ई कॉमर्स क्या है? बी है, बी बी है उसका बच्चा विक्रम, बी आंसर था पीछे वाले का। व्हाट इज अ ई कॉमर्स? कहता है ई कॉमर्स क्या है? बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेशनल गुड्स। कहता है इंटरनेशनल सामान आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। कहता है इंटरनेट पे आपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उसको हम कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नॉट फाउंड इन स्टोर्स। कहता है वो सर्विसेज या वो प्रोडक्ट्स जो आपको स्टोर्स में नहीं मिलते उनको बेचना और खरीदने को हम कहते हैं ई कॉमर्स। या फिर बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स हैविंग टू डू विद कंप्यूटर। कहता है कंप्यूटर से संबंधित जो आपका सामान है वो खरीदना है बेचना,
या फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, या कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको खरीदना या बेचना। ई कॉमर्स क्या है बच्चे इसमें से? ई कॉमर्स आपका क्या है? इंटरनेट पे खरीदना या बेचना, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चीज़ स्टोर में नहीं है वही सिर्फ आपको इंटरनेट पे मिलेगी, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी मिलते हैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिलते हैं, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, ऐसा नहीं है। तो कौन सी ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपकी ये वाली ऑप्शन है, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे सर्विसेज प्रोडक्ट्स आपकी खरीदना बेचना, उसको हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू सर्फ द इंटरनेट इज, कहता है इंटरनेट पे सर्फिंग करनी है आपकी, गुड इवनिंग अजय, जो इंटरनेट पे सर्फिंग करनी है बच्चे, उस सॉफ्टवेयर को आप क्या कहते हैं? सर्च इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ब्राउजर, या नन ऑफ दिस। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंटरनेट का यूज़ करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर होना चाहिए, ठीक है, आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए। तो यही यही पूछ रहा है कि टू सर्व द इंटरनेट आपके पास इनमें से क्या चीज़ होनी चाहिए बच्चे? एक वेब ब्राउजर आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है, कोई भी हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एक वेब ब्राउजर आपके पास होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ब्राउजर। प्रोग्राम सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट सर्व, कहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब पे नेविगेबल विंडो का काम करता है, जो वेब पे नेविगेट करने का काम करता है? ये क्या कह रहा है? प्रोग्राम सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट सर्व एज नेविगेटेबल, नेविगेट के लिए, नेविगेट करने के लिए नेविगेटेबल विंडो की तरह कौन सा काम करता है बच्चे? हाइपर टेक्स्ट, नेटवर्क, इंटरनेट, या वेब ब्राउजर, बताओ इसमें से कौन सा है जो आपका नेविगेट करने के काम आता है? जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? अभी मैंने आपको पीछे बताया इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वही इसका आंसर है। कहता है नाम दे रखा है प्रोग्राम जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो क्या करता है आपके नेविगेट करने के काम आता है, नेट को, नेविगेटेबल विंडो है, किसके लिए? वेब के लिए। तो वो कौन सा है? हाइपर टेक्स्ट है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, या वेब ब्राउजर है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है बच्चे? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? क्रोम क्या है? ओपेरा क्या है? ये सारे सब क्या है? ये क्या है आपके सारे? वेब ब्राउजर है, ठीक है, वेब ब्राउजर के थ्रू ही आप अपने इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। तो वेब ब्राउजर है इसका आंसर, ठीक है। प्रोग्राम सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर आर वेब ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर करेक्ट अजय, वेब ब्राउजर है इसका आंसर। नेक्स्ट, अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब। कहता है एक वेबसाइट एड्रेस है, ठीक है, आपका पूरा एड्रेस है, वो कहता है वो जो वेबसाइट एड्रेस है वो एक यूनिक नेम है किसके लिए? दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब, उससे आप इंटरनेट पे क्या ढूंढ सकते हैं? वेब ब्राउजर, पीडीए, वेबसाइट लिंक, या नन ऑफ दिस। जो आपका वेब एड्रेस है बच्चे, वो वेब एड्रेस जो आपका है वो एक्चुअली क्या है? किसी भी वेबसाइट का एड्रेस किस लिए यूज होता है, आप उससे क्या देख सकते हैं? आपको अगर वेब पे काम कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, तो आपको अगर आपके पास वेबसाइट एड्रेस दे रखा है, तो वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नेम है जो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करवा रहा है। वेबसाइट एड्रेस से आप क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर पाएंगे? कोई भी मैंने वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया तो वो क्या आइडेंटिफाई करवाएगा? वेब ब्राउजर, पीडीए, वेबसाइट, या लिंक। उस वेब एड्रेस को रीड करके, उस वेब एड्रेस को देख के आप क्या बता सकते हैं कि वो कौन सी वेबसाइट है? किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को, जैसे मैंने अभी लिखा था, तो ये क्या है? क्या आपको एक वेबसाइट बता रहा है? कौन सी वेबसाइट है? इम्पैक्ट एकेडमी की वेबसाइट है, ठीक है, गुड आफ्टरनून पूजा, हाँ वेबसाइट, अजय करेक्ट बच्चे, ठीक है। तो क्या कहता है कि वेबसाइट का एड्रेस क्या बताता है? वेबसाइट के, अब हमें ये वाला एड्रेस देख के हमें पता चल रहा है कि हाँ किस वेबसाइट की बात हो रही है, इम्पैक्ट एकेडमी की वेबसाइट की बात हो रही है, ठीक है, हाँ
हाँ पूजा करेक्ट, अजय करेक्ट, करेक्ट है बच्चे दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई कॉमर्स? व्हाट इज ई कॉमर्स ये बच्चे क्वेश्चन है। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी चार चीजें आवश्यक है? टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए बच्चे, टू कनेक्ट इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी चार चीजें आवश्यक है? कौन सी चार चीजें हैं जो आपको चाहिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए? टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर आईएसपी। मोडेम, कंप्यूटर, पीडीए आईएसपी। टेलीफोन लाइन, पीडीए, मोडेम, कंप्यूटर, कंप्यूटर आईएसपी, मोडेम, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। बताओ इसमें से कौन सी चीज है जो चार चीजें जो आपको, अगर आपको इंटरनेट चाहिए इंटरनेट के लिए ये चार चीजें जरूरी है। कंप्यूटर, इसका आंसर डी आएगा बच्चे, कंप्यूटर आईएसपी, मोडेम और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। मोडेम जरूरी है बच्चे, अगर मोडेम ही नहीं होगा तो डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, और एक आईएसपी। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी क्या है, कौन बताएगा? आईएसपी क्या होता है? आईएसपी बताओ बच्चे, आईएसपी क्या होता है? हाँ आंसर तो डी है अजय, आंसर मैंने बता दिया बच्चे। आईएसपी की फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेरी गुड। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे आपके कौन से हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं? कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? जैसे जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, ये सारे के सारे क्या है? हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके जियो, इंटरनेट जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, ये सारे के सारे आपके इंटरनेट सर्विस है। पीडीए, पीडीए का भी ये टर्म ये रही। पीडीए का मतलब है जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। जो भी आपके हैंडहेल्ड ये फोन वगैरह ये आपके पीडीए होते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं इसको, मतलब फुल फॉर्म इसकी होती है। पीडीए की फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यहाँ पे आई है ना, कहाँ पे ये टर्म पीडीए? आपका पर्सनल काम मैनेज करने के लिए आप पीडीए यूज करते हैं, ठीक है। 89th क्वेश्चन, इफ योर कंप्यूटर कीप्स रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज लाइकली दैट, कहता है अगर आपका कंप्यूटर बारी बारी रीबूट हो रहा है, ठीक है, रीबूटिंग होती जा रही है, रीबूटिंग होती जा रही है, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये जो रीबूटिंग हो रही है इसका क्या रीजन हो सकता है? इट हैज अ वायरस, इट डज नॉट हैव इनफ मेमोरी, देर इज नो प्रिंटर, देर इज नो लाइट है, ये देर इज नो लाइट कनेक्शन, या फिर उसमें सीडी रोम नहीं है। अगर बच्चे आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बूटिंग प्रोसेस स्टार्टिंग वाली प्रोसेस होती है जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो वो जो प्रोसेस होती है बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, कई चैप्टर्स में आ चुकी है टर्म, ये जो ये होता है बच्चे, ये क्या होता है? आपका बूटिंग प्रोसेस चलती है जिसमें आपका सिस्टम ऑन होता है, स्टार्ट होता है। कहता है अगर आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है, अपने आप बारी बारी रीबूट 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 होता जा रहा है, ऑन नहीं हो पा रहा, स्टार्ट नहीं हो पा रहा, तो क्या रीज़न है उसका? कि उसमें क्या है? रवि करेक्ट आंसर बच्चे, इट हैज़ अ वायरस। वायरस की वजह से कोई इसमें बूट सेक्टर वायरस आ गया होगा, तो उस वायरस की वजह से क्या हो रहा है? आपका जो सिस्टम है वो उसकी बूटिंग प्रोसेस पूरी नहीं हो पा रही है, बारी बारी खुद को रीबूट करता जा रहा है और नहीं हो पा रहा, तो क्या है? इट हैज़ अ वायरस।
व्हाट डज अ ब्राउजर डू? हाँ ठीक है बच्चे, ए आंसर इज करेक्ट, रवि का भी सही है, पूजा का भी। आगे कह रहे हैं ब्राउजर करता क्या है? वेब ब्राउजर्स है हमारे, ठीक है। वेब ब्राउजर्स का क्या काम होता है? लुक्स थ्रू मैगजीन्स एंड बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स और मैगजीन्स को ढूंढा। रीड मटीरियल रियली फास्ट, जो भी आपके पास मटीरियल है उसको तेज पढ़ सकते हैं आप। इट वेस्ट योर टाइम, टाइम वेस्ट करता है। इट प्रोवाइड हेल्प मेन्यू, हेल्प मेन्यू आपको देता है। या फिर इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू व्यू वेब पेजेस, वेब पेजेस को देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर। ईजी है बच्चे, बाकी सारी ऑप्शंस तो कुछ आपको लग ही नहीं रही होगी, इंटरनेट से रिलेटेड नहीं ये थी। तो वेब ब्राउजर क्या करता है? दैट इज यूज टू व्यू वेब पेजेस, आपके जो वेब पेजेस हैं उसको उन पे जाने के लिए, उनको आप किसकी हेल्प से देख सकते हैं? ब्राउजर की हेल्प से, ठीक है। एक वेब ब्राउजर आपके पास होगा तो आप वेब पेजेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट रेडी टू सेंड। कहता है आपने क्या करा है, कौन सा फोल्डर है जिसमें क्या है आप अपने मैसेजेस रख सकते हैं? वो मैसेजेस तो स्टार्ट तो किया है लेकिन आपने अभी भेजने नहीं है, ठीक है। अभी वो आपने क्या किया, स्टार्ट तो करे हैं बट दे आर नॉट रेडी टू सेंड। पीछे वाले का आंसर, हाँ पीछे वाले का आंसर ठीक है बच्चे, ई इसका आंसर बताओ। हाँ पूजा, प्रियंका, रवि सबका सही है, गुड बच्चे। अब इसका बताओ क्या कह रहा है, द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेज। कहता है कौन सा फोल्डर है जिसमें आपके वो मैसेजेस पड़े हैं जो क्या है आपने स्टार्ट तो किए थे लेकिन अभी वो भेजने के लिए रेडी नहीं हुए हैं। इन बॉक्स, आउट बॉक्स, ड्राफ्ट, सेट आइटम्स या एड्रेस बुक है ये? सी सी, हाँ ड्राफ्ट्स करेक्ट आंसर। ड्राफ्ट होते हैं ना बच्चे, ड्राफ्ट में आपके वो वाले मैसेजेस होते हैं जो आपने सेंड नहीं किए हैं। रवि, प्रियंका, बोधा करेक्ट। जो आपने क्या करे, स्टार्ट तो करे थे बट किसी रीजन से पूरे नहीं हो पाए या आपने सेंड नहीं किए, वो आपने कहाँ पे चले जाते हैं आप, वो आपके ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। कहते हैं अपनी झूठी आइडेंटिटी बता के, ठीक है, अपनी झूठी आइडेंटिटी बता के क्या करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे लेने की कोशिश करते हैं। आपसे को आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कोई आपके पासवर्ड वगैरह है, कुछ क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, कोई आपकी बैंक डिटेल है, वो आपसे निकलवाने की कोशिश करते हैं अपनी झूठी आइडेंटिटी बता के। तो वो जो है वो अटेम्प्ट क्या कहलाता है? फिशिंग ट्रिप्स, कंप्यूटर वायरस, स्पाइवेयर स्कैप्स, वायरसेस या फिर फिशिंग स्कैप्स। बच्चे आप ये आते हैं ना आपके पास, ईमेल भी आती है फिशिंग है, फिशिंग ए नहीं बच्चे, फिशिंग ट्रिप्स नहीं, फिशिंग स्कैप्स कहते हैं उसको। और ये फिशिंग, फिश वाला फिशिंग नहीं है, ये PHI आएगी इसके पहले, PHIS HING, फिशिंग स्कैप्स। वो फिशिंग स्कैप्स होते हैं ना जो आपके मेल आती रहती है, जी आपने इतने रुपए जीत लिए, अगर आप अपना आप हमें अपनी बैंक डिटेल दो, हम आपके बैंक डिटेल बैंक अकाउंट में आप या आपके पैसे ट्रांसफर करेंगे, मैसेज आते रहते हैं आपके पास, ठीक है। स्पैम आती है, मेल भी आती है स्पैम कि आपने इतने रुपये जीत लिए है, आपकी लॉटरी निकलाई है, ये कुछ ये क्या है, अपनी आइडेंटिटी छुपा के आपकी क्या लेते हैं, पर्सनल डिटेल लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो आपकी, उसको लेने की कोशिश करते हैं, तो फिशिंग स्कैप्स। ब्रेक का करेक्ट बचे, ठीक है, फिशिंग स्कैप्स होता है उस अटेम्प्ट को, हम क्या कहते हैं, फिशिंग स्कैप, स्कैप है एक तरह का वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग टू अ क्लास रूम इज कॉल्ड। कहते हैं क्लास रूम में जाए बिना, ठीक है, क्लास रूम में जाए बिना, हाँ मैम की आवाज उस वजह से चेंज हो रही है। कहता है क्या तरीका है जिसमें आप क्लासरूम में जाए बिना भी कंप्यूटर के बारे में सीख सकते हैं, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के आप एजुकेशन ले सकते हैं बच्चे? आई लर्निंग, आइसोलेटेड लर्निंग, ई लर्निंग, क्लोज लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग, बताओ बच्चे क्या कहता है? क्लासरूम में जाए बिना भी, ठीक है, आप चीज़ें सीख सकते हैं, ई लर्निंग। हाँ साइलेंट हो गया, कोल्ड के ई लर्निंग रवि का सही है, पूजा का भी सही है, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चे। सब बच्चों को पता है जैसे वो बिजनेस है तो वो ई कॉमर्स है, ऐसे स्टडी है तो वो ई लर्निंग है, ठीक है। हाँ मैम के कोल्ड पे ध्यान देने की बजाय क्वेश्चंस पे ध्यान दो, हैप्पी क्वेश्चंस पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड द। कहता है इंटरनेट पे
ठीक है, आपने क्या कर रखा है, लिंक्स का कनेक्शन कर रखा है थ्रू आउट द इंटरनेट, क्रिएट्स अ, जिससे क्या बन रहा है आपका एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन रहा है। तो वो क्या है, WWW, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, या ऑल ऑफ दिस, बच्चे जिन दो चीजें एक ही है ये, ठीक है। WWW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, और वर्ल्ड वाइड वेब को हम जनरली कह देते हैं वेब, ठीक है। तो क्या है, सारी चीजें सेम है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस सब कुछ ही है। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी, कहता है कौन सी है इनमें से सबसे ज्यादा जो यूज होती है इंटरनेट एक्टिविटी, आर्ट, शॉपिंग, सर्चिंग, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट या फिर कम्युनिकेशन। कहता है सबसे ज्यादा पॉपुलर, हाँ पीछे का आंसर सही है, डी डी, सबसे ज्यादा पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी कौन सी है, इंटरनेट पे जब आप काम करते हैं सबसे ज्यादा कौन सी चीज है, आर्ट, शॉपिंग, सर्चिंग, एंटरटेनमेंट या कम्युनिकेशन, इसका बताओ बच्चे। कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा यूज होता है ना, कम्युनिकेट करते हैं बच्चे सबसे ज्यादा, कम्युनिकेशन का काम सबसे ज्यादा होता है आपका इंटरनेट में, कम्युनिकेशन। हाँ, एंटरटेनमेंट मूवी का नाम है, मूवी का एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन प्रियंका का, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट वेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है कि कोई वर्ड है या फिर बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन पे आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो जब आप उन पे क्लिक करते हैं तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट में पहुंच जाते हैं, जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा उस पे। तो वो क्या चीज है, एंकर, URL, हाइपरलिंक, रेफरेंस या नन ऑफ दिस, ये हमने पहले बता रखा है, ठीक है। ये पहले भी हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन कि वेब पेज पे कुछ वर्ड्स की कलेक्शन है, या एक सिंगल वर्ड हो या वर्ड्स की कलेक्शन हो, जिस पे क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, दैट इज रवि, वेरी गुड, हाइपरलिंक, ठीक है। जनरली ब्लू कलर का होता है, किसी भी कलर का हो सकता है, जनरली ब्लू कलर का होता है, उस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाते हैं, हाइपरलिंक, करेक्ट है सबका, सी करेक्ट, प्रियंका, अजय, रवि, गुड, बच्चे सबका सही है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, कहता है इसमें से पहले तो देखो सारे ही सर्विस प्रोवाइडर है, हॉटमेल, याहू, रेडिफ, हाँ सब सर्विस प्रोवाइडर्स है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स है, कहता है इनमें से कौन सा फ्री है, सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ही फ्री है बच्चे ईमेल के। तो हॉटमेल, रेडिफ, याहू, इनको यूज करने के कोई आपके पैसे तो नहीं लग रहे ना, आप किसी पे भी अकाउंट बना सकते हैं, तो ये सारे के सारे, कोई भी आपका जीमेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू, सारे के सारे क्या है, फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ऑल ऑफ दिस, हॉटमेल, रेडिफ, याहू, गूगल, ये जी मेल, ये सब के सब आपके फ्री सर्विस प्रोवाइडर्स है, डी आंसर। HTML की फुल फॉर्म बहुत बार बता चुकी है मैडम, HTML की फुल फॉर्म बताओ बच्चे, हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइयर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, बताओ। ये तो सबको आना चाहिए, सब बच्चों को आना चाहिए ये वाला। तो HTML की फुल फॉर्म क्या है, ओल नहीं है बच्चे, HTML की फुल फॉर्म, HTML, हाँ बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे प्रोटोकॉल है ना वो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वैसे ही हाइपर टेक्स्ट, हाँ फुल फॉर्म यही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेजेस बनाने के लिए आपकी ये वाली लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चे, बी सबका सही है। पासवर्ड इनेबल्स यूजर्स टू, कहते हैं पासवर्ड से क्या होता है, पासवर्ड किस चीज के लिए यूज होता है, गेट इट टू द सिस्टम क्विकली, कि आप सिस्टम पे जल्दी से जा सकते हैं, मेक एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, आपके टाइम का एफिशिएंट यूज हो रहा है,
रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स, आपकी जो फाइल है उनको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, या फिर फाइल स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। किस लिए होता है बच्चे पासवर्ड? सबको पता होना चाहिए ये वाला, तो पासवर्ड सबने लगा रखे होंगे अपने फोन पे। तो पासवर्ड किस लिए होता है? पासवर्ड से ऐसा तो नहीं है कि पासवर्ड लगा के आपका सिस्टम तेज चलने लग जाता है, या फिर पासवर्ड आपके जो फाइल स्ट्रक्चर है उनको सिंप्लीफाई कर देता है। पासवर्ड का यूज क्या है? यस, सी, रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स, आपकी जो फाइल है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, पासवर्ड लगा लेते हैं, तो जिसके पास पासवर्ड का एक्सेस है सिर्फ वही आपका उस फाइल को यूज कर सकता है। सी करेक्ट, प्रियंका, रवि, अजय, हाँ, पासवर्ड इज फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी यही हो गया ना कि आपने अपनी फाइल्स को क्या रखना है, जो भी आपका डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई फाइल है, उसको आपने क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो उसमें क्या रख देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं। ईजी। नेक्स्ट, जंक ईमेल, जंक ईमेल इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं? क्रीप, स्पूफ, स्निफर स्क्रिप्ट, स्पूल, या फिर स्पैम। जंक ईमेल आपकी क्या कहलाती है बच्चे? ये हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जो आपकी जंक ईमेल है उसको हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। आया था ना ये वाला पहले भी ऐसा क्वेश्चन, उसको हम कहते हैं स्पैम, जो आपके अनवांटेड मैसेजेस है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। द डैश यूजेस एन एड्रेसिंग स्कीम नोन एज यूआरएल। यूआरएल है बच्चे, कहता है डैश यूजेस एड्रेसिंग स्कीम नोन एज यूआरएल है टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल्स ऑन द वेब। कहता है कौन सी चीज है, ठीक है, जो क्या यूज करती है एक एड्रेस स्कीम, उस एड्रेस स्कीम का नाम क्या है? यूआरएल। किस लिए यूज करती है? टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल्स ऑन द वेब, आपकी वेब पे फाइल्स को ढूंढने के लिए। जावास्क्रिप्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, एसक्यूएल, स्ट्रिंग, या नन ऑफ दीज। अगर आपको वर्ल्ड वाइड वेब, बच्चे आपके पास वेब है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूआरएल है आपके पास, एड्रेस है, ठीक है, तो वो आप कहाँ पे जाएंगे? डैश यूजर एड्रेसिंग स्कीम नोन एज यूआरएल। यूआरएल आपको पता है एक एड्रेसिंग स्कीम है, हमने कर रखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्वटर, जिसमें आप पूरी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल है, फिर उसके बाद आपकी www है, फिर आपके पास डोमेन नेम है। तो कहते हैं क्या चीज़ है जो आपके एड्रेसिंग स्कीम को यूज़ करती है, यूआरएल को, किस लिए? किसी भी फाइल को इंडिकेट, लोकेशन पे जाने के लिए, किसी भी फाइल की लोकेशन बताती है वो आपकी। क्या क्या है वो? आपका वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब भी है ना बच्चे, वो www ही यूज़ करती है, www.impactacademy.com, तो उसका आंसर क्या आएगा आपका? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, यूआरएल www.abcd.com पे .com क्या है? .com क्या है बच्चे आपका? प्रियंका ने किसका आंसर दिया? पीछे वाले का, वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ, बी आंसर दैट करेक्ट बच्चे। इसका बताओ क्या कह रहा है, डॉट कॉम क्या है? अगर मेरे पास एक यूआरएल है, मेरे पास एक एड्रेस है www.abcd.com, उसमें पूछ रहे हैं जो डॉट कॉम है ये किसके लिए है? डॉट कॉम क्या बताता है? कमर्शियल, कॉरपोरेट, कोऑपरेटिव, कंसील, या नन ऑफ दीज। ये बता चुकी है मैं पहले, ऐसा ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया था। डॉट कॉम किस लिए है? कमर्शियल, गुड अजय, कमर्शियल, ठीक है, डॉट कॉम है ना, जैसे www.impactacademy.com, www.abcd.com, तो डॉट क्या है कि वो जो आपकी वेबसाइट है वो क्या है? कमर्शियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे अगर एबीसीडी की बात करें तो वो जो एबीसीडी है वो आपकी क्या है? कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल वेबसाइट है, तो वो डॉट कॉम बताता है कमर्शियल, ठीक है। इंडिया के लिए डॉट इंड, एशिया के लिए डॉट एशिया, कोई गवर्नमेंट है तो डॉट gov। करेक्ट, राम अवतार, अजय, दोनों का सही है बच्चे। डॉट ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो नॉन प्रॉफिटेबल है, और डॉट com कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ए करेक्ट स्नेहा, करेक्ट राम अवतार, अजय, सबका सही है। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डाटा ऑन योर कंप्यूटर विच कैन ट्रेवल टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड, कहता है वो प्रोग्राम जो किस पर्पज से बनाया गया, डेटा को डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से, ठीक है, कि क्या है, इन्फेक्ट कर देगा अदर कंप्यूटर्स को भी,
किस पर्पज से बनाया गया है, उसका पर्पज यही है, किस पर्पज से बनाया गया प्रोग्राम, डाटा को कंप्यूटर में जो आपका डेटा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो क्या है, डिजीज, टॉपिटो, ह्यूरिकेन, ह्यूरिकेन होगा ये, ह्यूरिकेन या फिर वायरस, कौन सी टर्म है बच्चे इनमें से जो क्या है आपके कंप्यूटर के डाटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कौन सा प्रोग्राम बनाया गया है, कौन सा प्रोग्राम है वो, वायरस, ठीक है। वायरस क्या है, किस लिए डिजाइन किया गया, ताकि आपके जो कंप्यूटर के डाटा है उनको आप उनको कोई हार्म हो सके, डिस्ट्रॉय डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, होता है ना आपके, अगर मोबाइल पे भी आ जाए वायरस बच्चे, प्रियंका करेक्ट आंसर, आपके कंप्यूटर पे भी वायरस आ जाए, आपके मोबाइल पे वायरस आ जाए, तो धीरे धीरे क्या होता है आपका जो डाटा है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू दोज एप्लीकेशन दैट कंबाइन टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो एंड एनिमेशन, कहते हैं वो कौन सी टर्म है, प्रेग का नाम अवतार, ठीक है बच्चे पीछे वाले का डी आंसर था इसका बताओ, कहते हैं उन एप्लीकेशन का क्या नाम है जिसमें क्या है आपके सब कुछ इकट्ठा है, टेक्स्ट भी है, साउंड भी है, ग्राफिक्स भी है, मोशन वीडियोज भी है, और आपका क्या है एनिमेशन भी है, उसको हम मिला के उसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है बच्चे, मोशन वेयर, एनी ग्राफिक्स, वीडियोस्केप्स, मल्टीमीडिया या मैक्स मीडिया, कौन सी टर्म है बच्चे जो हम यूज करते हैं कि वो एप्लीकेशन जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, आपके टेक्स्ट भी है आपके पास, ग्राफिक्स भी है, इमेजेस भी है, मोशन वीडियोस भी है, ठीक है, एनिमेशन भी है, वो टर्म रिलेटेड टर्म को क्या कहते हैं, प्रियंका करेक्ट डी, ठीक है, मल्टीमीडिया होती है ना, मल्टीमीडिया हम इसीलिए यूज करते हैं, मल्टीमीडिया है मतलब कि सारे वीडियोस को आपने क्या कर दिया, मिला दिया, मल्टीमीडिया, करेक्ट राम अवतार डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यूटिलिटी डू यू यूज टू ट्रांसफर फाइल्स एंड एक्सचेंज मैसेजेस, कहता है कौन सी यूटिलिटी है, कौन सी चीज है जो आप यूज करते हैं किस लिए, फाइल्स और मैसेजेस के ट्रांसफर के लिए, फाइल्स और मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए कौन सी चीज इसमें से आप यूज करते हैं, वेब ब्राउजर्स, WWW, ईमेल, हाइपर टेक्स्ट या फिर सर्च इंजन्स, बताओ कौन सी यूटिलिटी है, कौन सा चीज है इसमें से जो आप यूज करते हैं बच्चे किस लिए, अपने फाइल्स को और मैसेजेस को ट्रांसफर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, वेब ब्राउजर्स, WWW, ईमेल, हाइपर टेक्स्ट या फिर सर्च इंजन्स, बताओ इसका आंसर डी आंसर, हाइपर टेक्स्ट नहीं बच्चे, हाइपर टेक्स्ट तो अलग चीज हो गई ना, आपने किसी को कोई फाइल भेजनी है या फिर कोई मैसेज भेज रहा है तो आप इसमें से कौन सी चीज यूज करोगे, अजय का करेक्ट है ईमेल, ईमेल करोगे ना बच्चे, आपने किसी को कोई इनमें से किसी को आपको मैसेज भेज रहा है तो आप क्या करोगे, हाइपर टेक्स्ट का तो कोई वो ले नहीं है, सर्च इंजन भी नहीं, सर्च इंजन तो नेट पे कोई चीज ढूंढने के लिए होता है, लेकिन अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को, ठीक है, कोई मैसेज भेज रहा है, कोई फाइल ट्रांसफर कर रही है, अभी मैंने आपको बताया था फाइल कैसे ट्रांसफर होगी, अटैचमेंट का फीचर होता है उसमें, एक अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट के थ्रू आप अपनी जो भी आपका फाइल है या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आप सेंड कर सकते हैं अपनी उसके लिए साथ अटैच करके, ठीक है, तो इसका आंसर हाँ राम अवतार का ठीक है, प्रियंका का ठीक है, ईमेल, ईमेल है ना बच्चे, कोई भी आपने मैसेज भेज रहा है, ठीक है, या फिर हैप्पी का भी सही है, सी करेक्ट, या फिर कोई आपने मेल सेंड कर दी है, मेल कह रही हूँ, कोई फाइल ट्रांसफर कर दी है, तो वो फाइल कैसे ट्रांसफर करते हैं, अटैचमेंट के साथ अटैचमेंट में जाते हैं और उसमें अपनी फाइल अटैच कर देते हैं, तो वो आपकी फाइल क्या हो जाती है, मेल हो जाती है, ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ है जो आपकी फाइल ट्रांसफर मैसेज एक्सचेंज करने के लिए यूज होती है, ई मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। बच्चे इंटरनेट वाला चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है, ये कितने क्वेश्चंस थे आज हमारे, कल हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे सेम टाइम पे 3:15 पे, कल कंप्यूटर का न्यू चैप्टर, इंटरनेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दिए मैम ने, 104 क्वेश्चंस हो गए, 105 क्वेश्चंस थे आई थिंक, 105 क्वेश्चंस हमारे हो गए इंटरनेट वाले चैप्टर के, तो कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑल फॉर टुडे, बाय स्टूडेंट्स।